सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जिसका इंतजार आप सभी को था, एसएससी सीपीओ 2024 आंसर की का फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर आंसर की आउट कर दी गई फ्रेंड्स, लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि जो आंसर की आप जब लॉग इन कर रहे हैं तो सिर्फ लॉग इन ही हो रहा है, वहाँ पर आंसर की शो नहीं हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में शो हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको किस तरीके से जो है फ़ोन के थ्रू आपको यहाँ पर आंसर की चेकआउट करने वाला है, एक वर्किंग मेथड मैं आपको बताऊँगा जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स नहीं जानते हैं, एंड इस ईजी स्टेप से जो है आप लोग फोन में भी अभी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड सिंपली आपको आ जाना है, जो मैंने लिंक दिया आपको टेलीग्राम के ऊपर, उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको रोल नंबर एंड पासवर्ड फिल करने के लिए बोलेगा। तो सिंपल से इसको फिल करके जो है लॉगिन पे आपको जो है क्लिक कर देना होगा यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर ये ओपन नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में आपको यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर ऊपर जो एड्रेस है उस पर, ठीक है। उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। उसके बाद पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करने के बाद देखिए, अब स्टार्टिंग में आ जाना है लिंक के, एंड लिंक के आगे यहाँ पर लिखना है आपको व्यू सोर्स, ठीक है। लिखना क्या है, VIEW व्यू, व्यू लिख करके आपको कोलन लगाना है, सॉरी वो हाइफन लगाना है, उसके बाद सोर्स लिखना है, उसके बाद आपको कोलन लगाना है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप यहां पर जो लिखिएगा, उसके बाद कोलन लगा करके जो है आपको सिंपली यहां पर जो है सर्च करना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यही लिखिएगा, नहीं तो फिर ओपन नहीं होगा, तो फिर बाद में बोलिएगा। लिखने के बाद ओपन कीजिएगा फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज सर्च करना होगा, उसके लिए आपको वहां पर कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फाइंड इन पेज का एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहां पर लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर लिखना आपको DIGIALM, ये लिखते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा HTTPS करके, ठीक है। तो HTTPS से लेकर के जो है यहाँ से आपको कॉपी करना होगा, तो उसके लिए आपको वहाँ पर होल्ड करना होगा। होल्ड करते ही आपके सामने वाला लिंक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना कि HTML से लेकर के लास्ट में यहाँ पर जो है आपका लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिएगा .html, ठीक है। इस वाले लिंक को यहाँ से जो है कॉपी करना होगा, फिर से आपको यहाँ पर जो है होम पे आना होगा, यहाँ पे उस वाले लिंक को पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना होगा। सर्च जैसे ही कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने आपका जो है यहाँ पर आंसर किस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम का। बाकी फिर भी अगर देखिए नहीं होता है तो एक दो घंटे का वेट कीजिए, जब मतलब ऑफिशियली यहाँ पर जो है अगर नोटिस जारी करती है SSC, तो फिर आप लोग मोबाइल पर भी ईजिली जिस मेथड से आप चेक करते थे वैसे चेक करते थे। लेकिन अगर आप जल्दी में करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं।